नमस्कार, मैं प्रियांश सौरभ आज आपके समक्ष लाया हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत क्यों हुई। यूनेस्को द्वारा 3 मई 1997 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था पत्रकारिता जगत में पत्रकार को आज़ादी देना। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की जाए तो आर्टिकल 19(2) क्लॉज में बताया गया है भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसके भागीदार पत्रकार भी होते हैं, जिन्हें उसमें उन्हें आज़ादी दी गई है, लेकिन उनकी आज़ादी का हनन भी कभी ना कभी होता रहा है। अगर विश्व के लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ चौथे स्तंभ की भी बात की गई है, जो कि पत्रकार और पत्रकारिता इसमें शामिल है। भारत की आज़ादी की बात करें तो पत्रकारों का अहम योगदान रहा, जिसमें पत्रकार ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन लोगों को सहायता प्रदान की जिन्होंने ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ी है। और अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हर तरफ जो लोगों की, जनता की आवाज़ बनकर पत्रकार आए हैं, और इसका खामियाजा भी पत्रकार को उठाना पड़ा है, उनको जान भी गंवानी पड़ी है, जिसके कारण उन्हें हर तरह के मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी जाबाजी को सलाम करने के लिए और उनके विचारों को स्थापित करने के लिए 3 मई को वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।